तो मैं आधा कर चुका था, तो आपको मैंने कहा कि अभी ही रोक दूं कि बना लूं, तो बना लो आप क्या करोगे, तो बना लिया, तो आधा क्या पूरा बात तो एक ही हो गई। उसके बाद उनके सामने कभी नहीं बनाया मैं जानता था कि अब विद्रोह हो सकता है। इसके बाद सामने कभी नहीं बनाया, लेकिन अब जब जरूरत पड़ती थी बनाता था, क्या करेंगे। अब इत्तेफाक से मेरा पहला इंटरव्यू जो है सैटरडे को था, ठीक है। अब बिना दाढ़ी बनाया तो जा नहीं सकता था, पता चला सारे क्वेश्चन दाढ़ी पर पूछ देंगे, ठीक है। 5 दिन से पढ़ने के चक्कर में दाढ़ी नहीं बनाई, तमाम तरीके का प्रेशर था। अब जानते हैं कि पढ़ना रहता है ना, उसमें प्रेशर बहुत सारे होते हैं, एक एक सेकंड उसमें बड़ा कीमती हो जाता है। एग्जाम देंगे आप लोग भी पता चलेगा, ठीक है, एक एक सेकंड कीमती हो जाता है, कोई वेस्ट नहीं करना चाहता अपने समय को। लेकिन जिस दिन जाना होता है उस दिन तो कम से कम जंगल साफ करेंगे ना, नहीं तो पता चलेगा सारे निकाल लेंगे वहां से, कहेंगे कि अच्छा ये जो आप बाकी तो ठीक है ऊपर से नीचे तक, यहाँ पर आकर के आपका गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा मामला, ठीक है। तो चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है। आप आज भी जाए तो थोड़ा सा मतलब सिविलाइज्ड वे में ही जाना पड़ता है आज भी, ठीक है। इंटरव्यू देने में हर चीज फॉर्मल होना पड़ता है, ड्रेस भी आपका फॉर्मल होगा, सेंस भी आपका फॉर्मल, ठीक है, बहुत सारी चीजें फॉर्मल। अब ये थोड़ी है कि आप सारी चीजें फॉर्मल कर रखा है और नीचे शूज जो है आप स्पोर्ट शूज पहन करके चले गए, ठीक है, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। ऊपर दाढ़ी रखा हुआ है, एक दिन के लिए बना ले फिर आ जाएगा, अपनी खेती आ जाती है ये, ठीक है, समझने की जरूरत है। इंटरव्यू उसकी वजह से बर्बाद थोड़ी कर सकते हैं हमें, ठीक है। आपको सिखाया जाएगा इंटरव्यू देते समय, सिखाया जाएगा, वो अपने आप आएगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा हमें समझना है, ठीक है। वहां पर भी लोग बैठे हुए ना, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं, कोई गवर्नर होगा तो कोई आईएएस अधिकारी बहुत समय से रहा होगा, रिटायर्ड हो चुका, अब बैठा हुआ है, अपने पता चलेगा अपने इंटरव्यू वाली खुन्नस आप पर निकालने लगा वो, तो क्या करेंगे, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी फिर। तो चीजों को थोड़े से समझना है, उसी वे में जाना है। ड्रेसिंग सेंस, आपका लुक बहुत फॉर्मल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए आपको। हो सकता है थोड़ा बहुत करवा ले अपना, जो भी 2-4 दिन करवा सकते हैं, ब्लीचिंग फ्लीचिंग जो भी है तो सब करवा कर जाए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कि उस दिन अपना फाउंडेशन लगा कर जाए फिर उसमें, हाँ ये सब नहीं करना है, सिंपल वे में जाए, ठीक है। तो फ्यूडलिज्म सबसे पहले इस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले बीसीसी पर आते हैं, थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी, बीसीई सीई ये दो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, पहले इसे बीसी और इसे एडी कहा जाता था, बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत मुश्किल नहीं, घबराने की भी जरूरत नहीं है, आएगा भी नहीं, ठीक है। बट इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और इसका मतलब आप समझ गए होंगे, कॉमन एरा। कोई पहली बार तो नहीं सुन रहा है ना इस शब्द को, पहले सुना है ना, कोई पहली बार सुन रहा है तो हाथ उठा दे, नहीं सुनेंगे, आप पहली बार सुन रहे हैं, ये सुना है, हाँ। तो इसको कहा जाता था, इसको भी सुन ले पहले, लिख दूं मैं, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब होता है स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड का मतलब जीसस क्राइस्ट, विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इसका मतलब है। शब्द बहुत आसान है, पहले जो है दुनिया भर में इसे इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब भारत और दुनिया भर की हिस्ट्री लिखने में, और यूरोप को छोड़ दें अगर, तो बहुत सारे देश में जीसस क्राइस्ट का जन्म थोड़ी हुआ है, तो कॉमन एरा उसे यूज कर लिया गया कि अब उसे कॉमन एरा करते हैं, ठीक है। तो दुनिया भर में जो क्रिश्चियन कंट्रीज है उसको छोड़ करके बाकी देशों में इसे कॉमन एरा के रूप में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और इसे बिफोर कॉमन एरा, इसे कॉमन एरा, तरीका वही है। बाकी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले हम बीसीई कहेंगे, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के साथ और उसके बाद जितनी घटनाएं होंगी वो सब सीई कही जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जन्म 1 AD या सीई में हुआ माना जाता है, तो आज तक हम 2024 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो 2024 साल पहले 1 AD में या सीई में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, वहां से चीजें सीधे चलने लगी, यानी ये
वन वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, ये सीधे होंगी, लेकिन बीसीई ये रिवर्स चलेगी, उल्टी चलेगी घटना। जैसे 2500 में मैंने शुरू किया भी इतिहास एंशियंट हिस्ट्री का, तो अगला साल जो 2500 के बाद होगा 2499 होगा, 2498 उसके बाद होगा, 2497 होगा, ऐसे उल्टा चलता जाएगा और जीरो पर पहुंचेंगे। जैसे ही जीरो के बाद वन होगा, जीसस क्राइस्ट का जन्म हो जाएगा और वहीं से दुनिया सीधी हो जाएगी और अब सीधे ही चलेंगे। तो एक से लेकर के सीधा है ये, बाकी उल्टी दिशा में चलते हैं। पूरी दुनिया में यही एरा यूज हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं बीसी और सी, इसी का कॉन्सेप्ट अब चल रहा है कॉमन एरा का। बाकी तरीका वही है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। मतलब जो इसमें माना गया है, जीसस क्राइस्ट के जन्म को ही आधार माना गया है। जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की घटनाओं को बीसी लिखेंगे, बाद की घटनाओं को सी लिखेंगे, ठीक है, इसको कहते हैं। और उससे पहले घटनाएं रिवर्स चलेंगी और बाद की घटनाएं स्ट्रेट चलेंगी, सीधी सीधी चलेंगी, यही इसको कहते हैं। अब इसमें भारत में भी कुछ एराज हैं, इसको बताऊंगा मैं, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि फ्यूडलिज्म की थोड़ी सी बात कर लेते हैं और रेनेसा की बात कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा कुछ इसको कर लेते हैं। तो एक हेडिंग कर लेंगे, थोड़ी सी कुछ बातें मैं लिखा भी दूंगा इसमें, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म फ्यूडलिज्म मैंने बताया आप लोगों को कि जब एक सिस्टम है जिसके द्वारा जो है एक बड़ा राजा जनता पर शासन नहीं करता बल्कि छोटे राजाओं पर शासन करता है, ठीक है, यानी जनता कहीं सीन में है ही नहीं। जनरली बड़ा राजा जनता पर शासन करेगा, जैसे हमारी आज की सरकार जनता पर शासन करती है ना, राज्य सरकार जनता पर शासन करती है, केंद्र सरकार जनता पर शासन करती है और जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो चीजें हैं। तो कोई भी राजा जो होगा ना वो भी जनता पर ही शासन करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या सिस्टम बदल गया, अब बड़ा राजा छोटे राजा पर शासन करेगा। एंड बड़ा राजा जो होगा, बिग किंग यूज टू बी होल्ड द ग्रेटर टाइटल एंड बिगर टाइटल, ठीक है, एंड स्मॉलर किंग यूज टू होल्ड स्मॉलर टाइटल्स, एंड इसी से हम उन्हें पहचानते हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि गुप्ता लोग ये किसी के सामंत थे, किसके थे, गुप्ता वर फ्यूड ऑफ समवन, विच रूलर या विच रूलिंग डायनेस्टी, गुप्ता भी सामंत थे, पता नहीं, पता नहीं, नहीं मौर्य, मौर्य मौर्य शासनकाल सेंट्रलाइज था, फ्यूडल रूल नहीं था, वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में फ्यूडलिज्म की शुरुआत हुई थी, इससे पहले नहीं हुई थी, मैं बता दूंगा अभी लिखा दूंगा, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में सबसे पहले सका कुषाण ने मिल करके फ्यूडलिज्म की शुरुआत की, और गुप्ताज वर द फ्यूड ऑफ कुषाण्स, कुषाणों के सामंत थे ये लोग, ठीक है, और ये महाराज की उपाधि होल्ड करते थे, और इनिशियल टू गुप्ता रूलर्स यूज टू होल्ड द टाइटल महाराजा, श्री गुप्ता एंड घटोत्कच, ये दो राजा ऐसे थे जो महाराजा की उपाधि होल्ड करते थे। व्हेन कुषाण रूल बिकेम वीक, चंद्रगुप्त फर्स्ट होल्ड द टाइटल महाराजा धीराज एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कुषाण्स बिकॉज कुषाण्स वर वीक। तो ये चीजें यहां पर आपको देखनी है। तो कुल मिलाकर के स्थिति है कि इसमें बड़ा राजा छोटे राजा पर शासन कर रहा है, लिख लेंगे। फ्यूडलिज्म इज अ फेनोमेना, फ्यूडलिज्म इज अ फेनोमेना अंडर विच, फ्यूडलिज्म इज अ फेनोमेना अंडर विच अ बिग किंग यूज टू रूल, यूज टू रूल स्मॉलर किंग्स, यूज टू रूल ओवर लिख लेंगे ना, यूज टू रूल ओवर स्मॉलर किंग्स बिग किंग्स, बिग किंग्स यूज टू होल्ड बिगर टाइटल्स, बिग किंग्स यूज टू होल्ड बिगर टाइटल्स लाइक, बिगर टाइटल्स लाइक महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, वाइल्ड वाइल्ड स्मॉलर किंग्स यूज टू होल्ड
वाइल स्मॉलर किंग्स यूज टू होल्ड स्मॉलर टाइटल्स स्मॉलर किंग्स यूज टू होल्ड स्मॉलर टाइटल्स लाइक महाराजा स्मॉलर किंग्स यूज टू होल्ड स्मॉलर टाइटल्स लाइक महाराजा दिस सिस्टम वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन पीरियड इन इंडिया दिस सिस्टम वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन पीरियड इन इंडिया पोस्ट मौर्यन पीरियड इन इंडिया ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन पीरियड इन इंडिया इट वॉज स्टार्टेड बाई सका कुसांस इन इंडिया सका कुसांस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज स्टार्टेड बाई सका कुसांस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम अब देखे कि आ गया ना इसमें पहली बार किसने सामंती सिस्टम को शुरू किया तो पहली बार आ गया इसमें इसी में कंटिन्यू करेंगे बट इट वॉज इंटेंसिफाइड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट वॉज इंटेंसिफाइड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राजपूत During the period of Rajputs, who came after 700 CE, who came after 700 CE. That's why. We call this period as medieval period. We call this period as medieval period. अब ये सामंत लोग जो बड़े राजा के अंडर होते थे ये काम क्या करते थे थोड़ा सा इसको भी मैं समझा देता हूं क्योंकि आगे मैं नहीं बताऊंगा इसको आगे सिर्फ फ्यूड शब्द को यूज करूंगा ठीक है ये फ्यूड लोगों के पास तीन चार राइट्स होते थे पहला राइट होता था टू एडमिनिस्टर देयर ओन रीजन अपने अपने क्षेत्र का प्रशासन करना यानी जिस क्षेत्र के महाराजा हैं वो उस क्षेत्र पर पूरा उनका हेरिडिटरी कंट्रोल होता था यानी ये नहीं कि वो अधिकारी हैं अधिकारी होंगे तो वो हटा दिए जाएंगे देवर नॉट द ऑफिशियल क्लास बट देवर एक्चुअली हेरिडिटरी किंग्स एंड दे कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम देयर And they used to control and they used to administer that region particularly. अपने क्षेत्र को प्रशासन करते थे अपने क्षेत्र में judicial system को देखते थे अपने क्षेत्र में revenue system को देखते थे tax वसूलते थे सेना maintain करते थे वो they also maintained army, ठीक है And समय समय पर वो राजा के दरबार में जो बड़ा राजा होता था उनके दरबार में present होते थे tribute देते थे उनको यानी जितना भी revenue साल भर में वसूला उसमें से कुछ हिस्सा बड़े राजा को दे दिया करते थे बड़े राजा के पास जनरली आर्मी नहीं के बराबर होती थी दे यूजुअली रिलाइड ऑन द आर्मी ऑफ फ्यूड्स सामंतों की आर्मी पर डिपेंड करते थे तो ताकत किसके हाथ में थी फाइनेंशियल पावर किसके हाथ में फ्यूड के हाथ में मिलिट्री पावर किसके हाथ में फ्यूड के हाथ में तो जब बड़ा राजा कमजोर होता था ना वहां पर कमजोर शासक जब गद्दी पर बैठते थे तो छोटे राजा बड़े राजा बन जाते थे ठीक वही हुआ था कुसानों के काल में कुसान जब कमजोर हुए तो गुप्ता लोग छोटे राजा थे बड़े राजा में बदल गए वो ठीक है एंड दे यूज्ड टू होल्ड बिगर टाइटल्स लाइक महाराजा धीराज यही होता था कुसान जब तक स्ट्रांग थे तब तक तो बड़े नहीं बन पाए तब तक उनकी कंट्रोल में रहे लेकिन जैसे ही कुसान कमजोर हुए छोटे राजा बड़े राजा बन गए और ये हमेशा होता रहता था राजपूत काल में बहुत हुआ है ये यानी राजपूत पीरियड में एक बड़ा राज्य था गुर्जर प्रतिहार सुना होगा आप लोगों ने शायद गुर्जर प्रतिहार के बहुत सारे सामंत राज्य थे और चौहान वंश जो पृथ्वीराज चौहान का जानते हैं ना वो भी उन्हीं के सामंत थे ठीक है और भी बहुत सारे सामंत थे
और जब गुर्जर प्रतिहार लगातार ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट किया था इन लोगों ने पालों से और राष्ट्रकूटों से, ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट 160-170 साल चला था, तीन राज्यों की आपस में लड़ाई चली थी, राष्ट्रकूटास, गुर्जर प्रतिहार एंड पालाज। पालाज बिहार के शासक थे, बिहार बंगाल के, राष्ट्रकूटास मध्य प्रदेश से लेकर के और राजस्थान तक के शासक थे, एंड राष्ट्रकूटास महाराष्ट्र के शासक थे। इन तीनों चाहते थे कि कंट्रोल हो कन्नौज पर, बिकॉज कन्नौज वॉज द कैपिटल एंड सेंटर ऑफ पावर एक्चुअली। एंड इट वॉज सेड दैट कि उस समय एक कहावत थी कि एक तरीके से कि दोज हु हैड टेकन कंट्रोल ओवर द कन्नौज विल वुड बिकम द किंग ऑफ द नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का राजा बन जाता था, ये थी। और इसीलिए तीनों 160-170 साल तक लड़े थे। सोचे 160-170 साल के बाद क्या होंगे, सोचे तीनों लड़ लड़के के कमजोर हो जाएंगे, और कमजोर होंगे तो उनके अंडर में जितने भी फ्यूड्स होंगे ना वो मजबूत होंगे और वो बड़े बन जाएंगे। और इस तरीके से वो तीनों कमजोर हुआ और अंत वो उनका राज्य डिक्लाइन हुआ और बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बड़े बड़े राज्य में बदल गए। चौहान वंश अलग हुए, मर्ज कर गया, परमार वंश से मर्ज कर गया, राष्ट्रकूटों के अंडर था वो, ठीक है। गुजरात में चालुक्य वंश था, वो इमर्ज कर गया। तो इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे राज्य देश के अलग अलग हिस्सों में इमर्ज कर गए और अंततः ये बड़े राज्य छोटे हो गए। तो ये बड़ी कहानी है इसकी। इसीलिए भारत में बहुत सारी कल्चर्स भी आपको दिखेंगी, यही कारण है इन सामंतों की वजह से बहुत सारी कल्चर्स भी दिखेंगे, उस पर भी कभी बातचीत करेंगे। एक शब्द इसमें है रेनेसा, रेनेसा पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद छोड़ूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए रेनेसा हेडिंग कर लेंगे। रेनेसा बेसिकली एक ऐसा पीरियड माना जाता है जिसमें, देखिए रेनेसा का जो वर्डली मीनिंग है पहले ये समझ लेते हैं। वर्डली मीनिंग ऑफ रेनेसा इज टू वेक अप फ्रॉम द स्लीप, नींद से जागना। और किसी भी देश में रेनेसा जो होता है ना वो कई क्षेत्रों को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। 1483 में पहली बार रेनेसा वर्ड को यूज किया गया था यूरोपियन सेंस में, और उसके बाद दुनिया के बहुत सारे देशों में ये शब्द यूज होने लगा, ठीक है। इनफैक्ट 1453 है वो, 1483 नहीं, तो 1453 व्हेन टर्की हैड टेकन कंट्रोल ओवर कॉन्स्टेंटिनोपोल, देन यूरोपियन स्कॉलर्स हु यूज्ड टू रिजाइड इन द कॉन्स्टेंटिनोपोल मूव टुवर्ड्स द रोम एंड दे स्टार्टेड न्यू लर्निंग देयर, दे स्टार्टेड रिफॉर्मिंग देयर सोसाइटी, देयर रिलीजन फ्रॉम द बैड ट्रेडिशंस और सुपरस्टिशंस, देन द रेनेसा वाज स्टार्टेड देयर इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी, रिलीजन, एजुकेशन, न्यू लर्निंग आया वहां पर, एंड इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इन द फील्ड ऑफ कल्चर, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेनी मोर। यानी रेनेसा हर क्षेत्र में देखा गया वहां पर। तो रेनेसा एक बड़ा शब्द है अपने आप में। वेकअप फ्रॉम द स्लीप इसका मतलब होता है नींद से जागना, इस शब्द का वर्डली मीनिंग यही होता है, ठीक है। यूरोप के लोग जो है बेसिकली कल्चरल रूप में, सोशल, इकोनॉमिक और हर फील्ड में सोए हुए लोग थे, यानी कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था उसमें, पिछड़े हुए लोग बन रहे थे, सोसाइटी उनकी कंजर्वेटिव हो रही थी, रिलीजन में बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिलीफ्स थे, जैसे मैं बताता हूँ चर्च का विश्वास था, क्योंकि चर्च से पूरा जीवन उनका गाइड होता था, ठीक है। चर्च का विश्वास ये था, चर्च उनके सोशल लाइफ में भी इंटरफेयर करता था, रिलीजियस लाइफ में भी करता था, इकोनॉमिक लाइफ में टैक्सेस तक वसूलते थे चर्च, उस समय के टैक्सेस वसूलते थे, जनता के लाइफ को रेगुलेट करते थे ये लोग, और चर्च के बाहर लोगों का जीवन भी नहीं था। और चर्च कहा करता था, एक कंजर्वेटिव बता रहा हूं आपको चीज, जो चर्च कहा करता था कि पृथ्वी केंद्र में और सूरज उसका चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और उसके खिलाफ बोलने वालों को खुलेआम फांसी पर लटका दिया जाता था। कि अगर कोई ये कह दे ना कि पृथ्वी केंद्र में नहीं सूरज केंद्र में, पृथ्वी उसका चक्कर लगा रहा है, तो लोगों को फांसी पर लटका दिया जाता था, और ऐसा हो चुका था कुछ लोगों के साथ। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था कॉपरनिकस, जो इसी बात को कहने के लिए, सच्चाई को कहने के लिए फांसी पर लटक गया, क्योंकि लॉजिकली उसकी बात कोई सुनना नहीं चाहता था। तो जहां पर लॉजिक होता है ना, वहां पर शुरू में आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद में एक्सेप्टेबिलिटी बन गई। और उसी कॉपरनिकस के मरने के बाद यूरोप में रेनेसा आया, और रेनेसा के बाद केपलर और गैलीलियो ने भी यही बात कही, ठीक है। रेनेसा आ चुका था, यूरोप रेनेसा से प्रभावित हो चुका था, सुधार हो रहे थे वहां पर, चर्च के बहुत सारे सिद्धांतों को चैलेंज किया जा रहा था वहां पर,
और बहुत सारे नेता उभर गए थे वहां पर, और उस वजह से जो है केपलर और गैलीलियो ने भी यही बात कही थी कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूरज केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है, ये बात कहने के लिए उनको फांसी पर लटकाया गया, क्योंकि तब तक यूरोप रेनेसा में आ चुका था, लॉजिक को समझने लगा था, चर्च के खिलाफ चीजें जो है होने लगी थी, चर्च कंजर्वेटिव था, पोप लोग समझते थे ना कि हम जो कहेंगे वही सही है, क्योंकि बाइबिल को पढ़ने का अधिकार आम जनता को था ही नहीं, तो ये लोग कहते थे बाइबिल में ही लिखा हुआ है। जब बाइबिल लोकल लैंग्वेजेस में वहां के ट्रांसलेट हो गया ना, क्योंकि पहले ये लैटिन लैंग्वेज में था और लैटिन आम जनता की भाषा नहीं थी, ठीक वैसे संस्कृत हमारे आम जनता की भाषा नहीं थी, वैसे लैटिन आम जनता की भाषा नहीं थी, और बहुत सारी जब भाषाओं, रीजनल भाषाओं, जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, इन भाषाओं का जन्म हुआ और इसमें ट्रांसलेशन हुआ है बाइबिल का, तो बड़ी आसानी से लोगों को समझ में आ गया कि ये चीजें हैं, ठीक है, बाइबिल पढ़ सकते थे, वो समझ सकते थे। अब उस पर कोई सुप्रीमेसी किसी खास पर्टिकुलर क्लास की नहीं रही कि अब पोप क्लास जो है उस पर कंट्रोल करेगा, क्लर्गी क्लास कंट्रोल करेगा, अब वो नहीं रहा, वो ठीक वही हुआ जो भारत में हुआ था। भारत में आज की डेट में गीता केवल संस्कृत में नहीं लिखी गई है, ठीक है, अब उसे हिंदी में पढ़ सकते हैं आप, है, और भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हो चुका है, और जरूरत पड़ने पर आप उसे पढ़ सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगी, कोई आपको ये कह करके नहीं बरगला सकता है, इन चीजों को नहीं दिखा सकता कि ये इसमें ये लिखा गया, जरूरत पड़ने पर आप खुद पढ़ लें उसको और समझ लें उसके सिद्धांतों। मार्टिन लूथर नाम का एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा रिफॉर्मर था जर्मनी का, जिसने जर्मन भाषा में बाइबल का ट्रांसलेशन किया था, 93 थेसिस लिखी थी उस पर। उसने चर्च की एक बात का विरोध किया था, चर्च के लोग कहा करते थे उस समय स्वर्ग के टिकट खरीदने की बात कहा करते थे, मतलब वो बेचते थे स्वर्ग के टिकट, ठीक है, हमारे देश में भी कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा अभी मैं, ठीक है, स्वर्ग के टिकट बेचते थे ये लोग। जैसे ईसाई धर्म में एक पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिन उसे कहा जाता है, तो ईसाई धर्म में सिन करने वाले यानी पाप करने वाले लोग अगर ईसा मसीह के सामने जाकर के सच्चे मन से स्वीकार कर लेते हैं तो उनके पाप को माफ कर दिया जाता है, ऐसा मान्यता थी, ठीक है, उसको इन लोगों ने, पोप लोगों ने क्लेवरली जो है स्वर्ग के टिकट में बदल दिया, ठीक है, और स्वर्ग के टिकट खुलेआम बेचने लगे ईसा मसीह के नाम पर, कि बाइबल में लिखा गया है स्वर्ग के टिकट खरीद लो पैसे दे करके और स्वर्ग में ही जाना है इस टिकट को खरीदने के बाद, कितने भी अपराध करो आप, ठीक है, कंजर्वेटिव ने शुरू, ठीक है, और उसके खिलाफ जो है मार्टिन लूथर ने बोलना शुरू किया, किसी इस तरीके कोई स्वर्ग का टिकट नहीं होता, ये लोग पैसे कमाने का जरिया बना रहे उसे, और पोप ऐसा करते थे क्योंकि टैक्स लगा रखा था इन्होंने आम जनता पर, सोचे कि राज्य का काम होता है टैक्स लगाना, धर्म का काम नहीं होता है टैक्स लगाना, लेकिन धर्म ने टैक्स लगा रखा था और ये काम कर दिया, और कर दिया तो फिर चीजें बदलने लगी थोड़ी सी। मार्टिन लूथर को मारने तक की कोशिश की गई जर्मनी का था, राजाओं ने, कुछ राजाओं ने बचाया, एक गुफा में रह करके, केव में रह करके अपनी जान बचाई, उसी गुफा में 93 थीसिस लिखी उन्होंने, बाइबल को ट्रांसलेट किया जर्मन भाषा में, और जब बाहर निकले तब तक यूरोप बदल रहा था, और उन्होंने नए चर्च की परंपरा डाल दी, दैट वॉज प्रोटेस्टेंट चर्च, जो बहुत ही साइंटिफिक चर्च आज की डेट में यूरोप का माना जाता है, प्रोटेस्टेंट चर्च, ठीक है, और जो पहले वाला चर्च था थोड़ा कंजर्वेटिव था, कैथोलिक चर्च कहा जाता है, कैथोलिक चर्च एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट चर्च जो है प्रोटेस्ट करने के नाम पर शुरू हुआ, क्योंकि वो हर बुरी चीज का जो गड़बड़ है उनका विरोध करते थे ये, उसी को प्रोटेस्टेंट चर्च इसीलिए कहा गया, और इसको जन्म देने की परंपरा यहीं से मार्टिन लूथर से शुरू हुई थी, ये व्यक्ति था वो, ठीक है। इसके बाद यूरोप बदल गया और यूरोप में मॉडर्नाइजेशन आ गया, क्योंकि लॉजिक और रीजन के आधार पर चीजें होने लगी। भारत में भी ये परंपरा हिंदू धर्म में है, अभी तक है, गंगा में डुबकी लगाने की परंपरा। जिंदगी में जितने भी बड़े पाप करे, अपराध करे, गंगा में डुबकी लगा लो, सारे पाप धुल जाएंगे, ठीक है, और अंत में तो गंगा में मिलना ही मिलना है, फाइनल जर्नी वही जानी है आपकी, ठीक है, तो पाप वैसे ही धुल जाने हैं। तो ये धर्म के आधार पर अत्याचार को या करप्शन को हम लीगलाइज कर रहे हैं, मतलब कोई अगर अत्याचार करता है या करप्शन करता कोई व्यक्ति है और गंगा में जाकर डुबकी लगा ले तो कैसे पाक साफ हो जाएगा, वो किस तरीके से हो सकता है। और लगभग हर धर्म में इस तरीके कुछ कुछ कुप्रथाएं रही हैं, ऐसा नहीं केवल यही रही है, हर धर्म में रही है, ये ईसाई धर्म का बताया मैंने, हिंदू धर्म का बताया, लगभग हर धर्म में इस तरीके की चीजें रही हैं, और इसी के खिलाफ जो है वो रेनेसा शुरू हुआ था। तो रेनेसा एक कॉन्सेप्ट है, एक वेक अप फ्रॉम द स्लीप है ये, और किसके किसके लिए स्लीप से जागना है ये, तो इसमें आपको कल्चरल जैसे सोशल एविल्स के खिलाफ है, रिलीजियस एविल्स के खिलाफ है, ठीक है,
और सबसे खास बात है, यूरोप का रेनेसा मच ब्रॉडर था, इससे भी बड़ा था। केवल सोशल रिलीजियस एविल्स पर नहीं इन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया, हमने कॉन्सेंट्रेट किया सिर्फ सोशियो रिलीजियस एविल्स को दूर करने पर। हमारा समाज और धर्म सुधार आंदोलन जो था रामन राम मोहन रॉय ने, वो केवल इसी पर कॉन्सेंट्रेटेड था, लेकिन इन्होंने उससे ब्रॉडर कर दिया इसको। इकोनॉमिक रेनेसा भी ये लेकर आए, इकोनॉमिक फील्ड में भी चीजों को बदली, ठीक है, इसको इकोनॉमिक रेनेसा कहा जाता है। यहां पर नए प्रोडक्शन मेथड को लेकर आए ये लोग, ठीक है, यूरोप बदलने लगा यहां से। इसके अलावा इनका जो रेनेसा था वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में भी था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इस फील्ड में भी इनोवेशन हुए बहुत सारे, एंड साइंस के फील्ड में भी था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुए बहुत सारे इस काल में यूरोप में। हमारे देश में नहीं हो पाए, हमारे देश में रेनेसा जो रहा है ना इंडिया में, इंडियन रेनेसा सिर्फ यहां पर रहा है, बाकी कहीं नहीं, ठीक है, बाकी में इंडियन रेनेसा आया ही नहीं। तो नाउ इसको डिफाइन कर लेते हैं। अब ये कंपैरिजन मैंने किया जानबूझ करके ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारे रेनेसा और यूरोप के रेनेसा में जमीन आसमान का अंतर था। और यूरोपियन रेनेसा बेसिकली 1453 से शुरू हुआ था। और हमारा रेनेसा जो शुरू हुआ वो आफ्टर 1800। ठीक है, 1800 और उसके बाद शुरू हुआ इंडियन रेनेसा जो शुरू हुआ था। तो दो चार लाइनें लिख ले इसमें जल्दी से। व्हेन पीपल ऑफ अ कंट्री, व्हेन पीपल ऑफ अ कंट्री, व्हेन पीपल ऑफ अ कंट्री यूजेस लॉजिक एंड रीजन, लॉजिक एंड रीजन, व्हेन पीपल ऑफ अ कंट्री यूजेस लॉजिक एंड रीजन टू एनालाइज और जज, लॉजिक एंड रीजन टू एनालाइज और जज एनी कस्टम और ट्रेडिशन, जज एनी कस्टम और ट्रेडिशन, देन वी कैन से then we can say that people are modern and the era of modernization, then we can say that people are modern and era of modernization has been started in a country. Era of modernization has been started in a country. In India, it was started. In India, it was started after 1800. In India, it was started after 1800. When Ram Mohan Roy, when Ram Mohan Roy.